पूरा फैल गई है। ठीक है ठीक है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी बग्गा जी, आज आप लोग भारी संख्या में जीएसटी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? लगातार जीएसटी ऑफिस द्वारा जो व्यापारियों के छापे मारे जा रहे हैं, इन्हीं छापे के विरोध में हम लोग मिलने आए थे। ये त्यौहार के समय यहाँ ऐसे भी छापे मारने का हमारा विरोध है। जब ऑनलाइन सारे काम होते हैं, ऑनलाइन से सारी चीज़ें भराती हैं रिटर्न, तो जो भी आपको काम है वो नोटिस द्वारा करिए। इस तरह के छापे नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के छापे पड़ेंगे तो आगे से हम लोग इसका विरोध करेंगे और सड़कों पे उतर के आपका विरोध करेंगे। क्या समाधान निकला है? आपने कहा कि हम लोगों की कोई मंशा ऐसी नहीं है, पर ऊपर से इतना दबाव है कि हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ता है। तो हम के आपको दबाव हो चाहे जो हो, लेकिन अगर आप छापे मारेंगे तो मैं विरोध करूँगा। वार्ता के बीच कुछ झड़प भी हुई है आप लोगों के बीच? हाँ, वो झड़प के बाद है। अधिकारियों का रवैया कैसा रहा करें? नहीं, पहले तो शुरू में रवैया थोड़ा सा गड़बड़ होने की स्थिति बनी, लेकिन दो मिनट बाद उन्होंने पूरा सहयोग किया और आश्वस्त किया कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत किसी को नहीं। दीपावली के मौके पर अभी तक कितने व्यापारियों के यहाँ छापे मारे गए हैं ऐसे? अब देखिए, इसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है लगभग 20-25 जगह छापे मार चुके हैं ये। और मुझे यह भी कहने में गुरेज नहीं है कि ये होली दिवाली पर ही, रक्षाबंधन पर ही ज़्यादा होता है, बाकी जो त्यौहार पड़ते हैं उनको सब खा जाते हैं। तो आज आप लोगों ने क्या कहा कि आगे ऐसी छापेमारी नहीं, आगे ऐसी छापेमारी होगी तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, धरना देंगे। मैं काशी बिस्कुट कंसल्टेंसी व्यापार मंडल का महामंत्री रमेश त्रिंकारी। मामला ये रहा कि इधर लगातार 15 दिनों से व्यापारियों की लगातार हो रहा था कि ये जीएसटी के लोग छापेमारी कर रहे हैं, तो जिसके लिए हम लोग आज मिलने आए हैं और ये अंतिम मिलना है। और इसके बाद इनसे अगर ये इन्होंने आश्वस्त किया कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होगा, अगर होगा तो हम इनसे अब मिलने का काम बंद करेंगे और सीधे सड़क पर उतर के इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन ही रास्ता है। हाँ, पर ये भी मैंने कह दिया कि अगर ये छापेमारी नहीं रुकी तो यहाँ का बनारस का व्यापारी ये होली, दशहरा, ये ईद, ये दिवाली और धनतेरस पर भी जिस तरह ये व्यापारियों का त्यौहार होता है, इस पर हम पूरी तरह से बंद करके हम आपका विरोध करेंगे। आप लोग क्या लगता है कि पर्व पर ही क्यों ऐसी छापेमारी? नहीं, पर्व पे छापेमारी मारने का इनका कारण ये होता है कि इस समय इनको लगता है कि ग्राहक ज़्यादा आते हैं, स्टॉक ज़्यादा मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो स्टॉक के ये मानते हैं, ये स्टॉक 2 दिन का होता है, 2 दिन के बाद ये दिक्कतें नहीं रहती। और दूसरी चीज़, मल्टीनेशनल कंपनियों का माल ये जो डंप पड़ा रहता है उसकी वजह से ये घरेलू उत्पादन को ठप करने की ये साजिश है, चाहे इनकी हो चाहे सरकार जो जिसकी भी हो, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव इनके ऊपर रहता है और उसकी वजह से घरेलू उत्पादन ठप हो जाए। लोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री के नारे को ये धूल दूषित करने पे लगे हुए हैं। बनारस के व्यापारी परेशान है, बिल्कुल परेशान है, और इस परेशानी को ही आज हम अपने अधिकारियों से कहने आए हैं। और ये आज अंतिम वार्ता है, अगर इसके बाद ये अगर ये नहीं होगा तो हम दिवाली पे, धनतेरस पे भी अपने कारखाने और दुकानों को बंद करके इनका विरोध करेंगे।